हेलो माय लवलीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति एंड इन दिस चैनल वी टॉक अबाउट लाइफस्टाइल, फैशन, ब्यूटी, हैक्स, हॉल, रिव्यूज एंड लॉट मोर। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सो मौसम और आपकी डिमांड पे मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए शॉर्ट कुर्ती हॉल। सो आज मैं आपको टोटल 6 कुर्तीज दिखाने वाली हूँ। सबकी फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी है। सारी ही कुर्तीज 400 के अंडर है। बस एक कुर्ती है जो 426 रुपीज की है, बाकी सारी अंडर 400 है। सो आपको जरूर पसंद आने वाली है। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो जो फर्स्ट कुर्ती इज द वन आई एम वेयरिंग एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कुर्ती। आई लव एवरीथिंग अबाउट दिस कुर्ती। इसका नेकलाइन, इसका पैटर्न, इसका फैब्रिक, सब कुछ बहुत प्यारा है। लुक एट द कलर, कलर तो डाई फॉर है, इतना ब्यूटीफुल इसका कलर कॉम्बिनेशन है। पर्पल इसका बेस है एंड देन उसके ऊपर व्हाइट और बेज कलर के फ्लावर प्रिंट है। नेकलाइन इसकी वी नेकलाइन है एंड देन आलिया कट वाला यहाँ पैटर्न है। नेक पे फेक मिरर वर्क है एंड पर्पल, येलो और पिंक कलर के थ्रेड से वर्क है। बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ती है। इफ आई हैव टू रेकमेंड वन कुर्ती फ्रॉम दिस हॉल, सो दिस इज द वन। इसका पैटर्न बहुत ज्यादा प्यारा, अपर बॉडी पे ये फिटेड है एंड देन नीचे की तरफ फ्लेयर है। दिस इज अ परफेक्ट शॉर्ट कुर्ती फॉर दोज गर्ल्स जिनका थोड़ा बहुत टमी होता है और जिनकी थोड़ी लोअर बॉडी हैवी होती है। सो उसको ये ब्यूटीफुली हाइड कर लेगा। एंड पर्सनली मुझे इस टाइप की कुर्ती ज्यादा पसंद है स्ट्रेट कट वाली से, बिकॉज स्ट्रेट कट वाली कुर्तीज होती है ना, वो एग्जैक्टली आपकी थाइज पे सिट करती हैं और ज्यादा अटेंशन डालती हैं आपकी थाइज पे। सो इफ यू आर अ गर्ल जिनकी थाइज थोड़ी हैवी होती है, सो आपको ना स्ट्रेट कट से ज्यादा ऐसे पेपलम वाली कुर्तीज को ट्राई करना चाहिए। इसका फैब्रिक है 100% कॉटन फैब्रिक और इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। आई थिंक ये 386 रुपीज की है। मैं एग्जैक्ट प्राइस स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी और उसके अकॉर्डिंग ये वाली कुर्ती लाइक मस्ट ट्राई कुर्ती है। सो दिस इज आवर फर्स्ट कुर्ती, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन। सेकंड कुर्ती है वो अगेन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। इसका फैब्रिक बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा मैंने इसे मीशो से परचेज किया है। इसका जो थ्रेड वर्क है वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज्यादा नीट है। ये कलर ना मुझे काफी प्यारा लगा। इसमें दो कलर ऑप्शन थे, इसमें भी दो कलर ऑप्शन थे। एक ब्लू वन था वो भी काफी प्यारा था, बट मुझे पर्पल ज्यादा बेटर लगा। और इसमें भी दो कलर ऑप्शन है, इसमें एक मरून एंड व्हाइट है, सो वो भी काफी प्यारा लग रहा था। बट मुझे समर्स में ना थोड़ा लाइट कलर ज्यादा अच्छे लगते हैं, सो मैंने इसलिए ये वाला ट्राई किया। इसमें मैंने एक्सेल साइज परचेज किया है और ये काफी लूज था, बट सीरियसली बताऊं मुझे इतने ही लूज ना शॉर्ट कुर्तीज अच्छी लगती हैं समर्स में स्पेशली, बिकॉज वो बॉडी पे हग करती है ना फैब्रिक, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एंड ये भी शायद मैंने एल साइज में परचेज किया और ये भी मुझे काफी लूज है, बट आई लाइक दिस फिट। इसमें नेक पे तो काफी अच्छा वर्क है और साइड्स में भी ना इसमें थ्रेड वर्क है, स्लीव्स पे भी थ्रेड वर्क है, यू कैन सी यहाँ पर भी थ्रेड वर्क है। और इसकी लेंथ भी काफी अच्छी है, लाइक आपको थाइस पे ना थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, लोअर थाइस पे आएगा। इफ यू आर समवन जिनको ज्यादा शॉर्ट लेंथ वाली शॉर्ट कुर्तीज नहीं पसंद, सो दिस इज वन फॉर यू, बिकॉज इसकी लेंथ काफी अच्छी है और मुझे काफी प्यारी लगी ये कुर्ती। इसकी फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। दिस इज ऑफ रेयन और काफी अच्छी क्वालिटी का रेयन है। सो अगर आप कॉलेज ऑफिस जाते हैं, कुछ डिसेंट लुकिंग कुर्तीज देख रहे हैं, सो दिस इज द वन फॉर यू। बहुत प्यारी है, बहुत मिनिमल सी है, सो अपने सिल्वर ज्वेलरी के साथ इसे एक्सेसराइज करो एंड यू आर गुड टू गो। सो समर्स में ना इस टाइप के लाइट कलर्स की चिकनकारी वर्क वाली कुर्तीज काफी अच्छी लगती है और ऑफिस और कॉलेज वाली लड़कियों के लिए ना ये मस्ट ट्राई कुर्ती है। और इसका प्राइस है 423 रुपीज। सो मैं एग्जैक्ट प्राइस स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी और ट्राई ऑन साथ में लगा दूंगी, सो आपको समझ आएगा कितनी ब्यूटीफुल ये कुर्ती लग रही है। सो दिस इज आवर सेकंड कुर्ती, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड। सो जो थर्ड कुर्ती है वो अगेन थोड़ा पेपलम स्टाइल में है। लुक एट द नेक पैटर्न, काफी यूनिक इसका नेक पैटर्न है। यहाँ पे दो पैनल्स है एंड देन एक फैब्रिक अटैच किया गया है, फिर स्ट्रिंग्स है सो दैट आप इसको एडजस्ट कर सके। और ये काफी ब्यूटीफुल है, ऐसा कलर कॉम्बिनेशन काफी प्यारा है। येलो बेस है एंड देन उसके ऊपर ना व्हाइट कलर का फॉइल प्रिंट है और थोड़ा सा ग्लिटर है पर्पल वाला, जिससे काफी ब्यूटीफुल लग रही है ये। और 3/4 इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स पे ना अलग से फैब्रिक अटैच किया गया है सो दैट वो बॉर्डर वाला लुक आए एंड देन चोली वाले पार्ट के नीचे से गैदरिंग स्टार्ट है। सो दिस इज अगेन अ पेपलम स्टाइल कुर्ती और ये सबसे अफोर्डेबल कुर्ती है इस हॉल की। दिस इज फॉर 286 रुपीज और उसके अकॉर्डिंग मस्त वाली कुर्ती है ये, मुझे काफी अच्छी लगी प्राइस के अकॉर्डिंग। इसका भी फैब्रिक है रेयन और काफी अच्छा वाला रेयन है, इन पे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा पहनने के बाद। सो बहुत ही कंफर्टेबल कुर्ती है और प्राइस के अकॉर्डिंग ना दिस इज अ स्टील डील, लाइक 286 रुपीज में आपको इतनी प्यारी कुर्ती मिल रही है। सो दिस इज अगेन परफेक्ट फॉर कॉलेज ऑफिस आउटिंग्स, सो मुझे काफी अच्छी लगी। आप इसको अपने ब्लू डेनिम्स के साथ, इवन व्हाइट पैंट्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं, सो स्टाइलिंग इज अप टू यू, बट ये काफी प्यारी कुर्ती। सो जो नेक्स्ट
कुर्ती है वो काफ़ी बेसिक है, ब्लू इसका कलर है, उसके ऊपर वाइट कलर का प्रिंट है, वी इसकी नेकलाइन है एंड देन आगे कटआउट है, 3/4 इसके स्लीव्स है एंड देन पीछे से भी सेम है। सो काफ़ी बेसिक और मिनिमल वाली कुर्ती है, कलर कॉम्बिनेशन मुझे इसका काफ़ी प्यारा लगा और फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, रेयन इसका फैब्रिक है। वन थिंग जो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा कि इसमें ना कोई भी कर्व्स नहीं है, ऐसा लग रहा है दो स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगा दी है। सो आपको कोई भी ना ऐसे स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा आपकी बॉडी को, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन वाला पैटर्न्स है। हैव टू गॉट इट अल्टर ताकि आपके थोड़े कर्व शो हो, बिल्कुल ऐसे सीधी सीधी लाइंस है। सो आप एक सिलाई लगवा लेना, थोड़ा सा अपनी अकॉर्डिंग एडजस्ट करवा लेना, सो ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। और ये ना थोड़ी शॉर्ट लेंथ वाली कुर्ती है, लाइक बिल्कुल आपको अपर थाई पे सिट करेगी। सो अगर आप कंफर्टेबल हैं इतनी शॉर्ट कुर्ती पहनने के लिए, सो ये परफेक्ट ऑप्शन है एंड दिस इज़ अगेन अफोर्डेबल। ये 306 रुपीज़ की है, उसके अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और समर्स में ना इस टाइप के प्रिंट काफ़ी अच्छे लगते हैं। सो काफ़ी बेसिक और मिनिमल वाली कुर्ती है, ऑफिस और कॉलेज वाली गर्ल्स के लिए परफेक्ट कुर्ती है। सो जो नेक्स्ट कुर्ती है वो है एक मस्ट हैव कुर्ती, इस टाइप की वाइट चिकनकारी कुर्ती ना आई थिंक सबके पास होनी चाहिए। सो बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ती है, लुक एट द वर्क, काफ़ी ब्यूटीफुल नीट एंड क्लीन थ्रेड वर्क है, कोई भी लूज थ्रेड्स नहीं है, छोटी छोटी बूटियाँ हैं पूरी ही ऑल ओवर कुर्ती में, स्लीव्स में इसमें कोई भी वर्क नहीं है एंड फैब्रिक इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, इतना कंफर्टेबल फैब्रिक है। सारी कुर्तियों में इस वाली कुर्ती का एंड देन पीच वाली का दोनों का फैब्रिक ना बहुत ऑसम है, एकदम ऐसे मलमल वाला सॉफ्ट फैब्रिक है। सो आप काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाले हैं। सो दिस इज अ बेसिक कुर्ती जो सबके पास होनी चाहिए, ऑफिस और कॉलेज जाते हैं सो ये परफेक्ट ऑप्शन है। व्हाइट कुर्तीज का थोड़ा टेक केयर ज़्यादा करना पड़ता है बट उनका चार्म भी अलग होता है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ती है, आप मल्टी कलर की ज्वेलरी के साथ, मल्टी कलर की बैंगल्स के साथ इसको स्टाइल करोगे ना, दिस इज गोइंग टू लुक ऑसम, ट्रस्ट मी। सो काफ़ी प्यारी कुर्ती है, पीछे से एकदम प्लेन है और इसका फैब्रिक काफ़ी अच्छा है और इसका भी प्राइस ना 300 समथिंग था, मैं एग्जैक्ट प्राइस स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, उसके अकॉर्डिंग बहुत ही प्यारी लग रही है ये कुर्ती। ट्राई ऑन साथ में लगाऊंगी सो दैट आप देख सको कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ये कुर्ती। सो दिस इज आवर फिफ्थ कुर्ती, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट कुर्ती इस हॉल की, वो अगेन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वी इसकी नेकलाइन है, ऐसे कॉलर्ड वाला पैटर्न है और उस पर ना थ्रेड वर्क है काफ़ी ब्यूटीफुल, स्लीव्स पे भी सेम थ्रेड वर्क है एंड देन कटआउट वाला पैटर्न भी है। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये कटआउट वाला पैटर्न ना, जब स्लीव्स पे आता है तो बहुत ऑसम लगता है एंड देन नीचे की तरफ अगेन वही कटआउट वाला पैटर्न और थ्रेड वर्क वाला पैटर्न है और ये काफ़ी अच्छी कुर्ती है। फैब्रिक इसका रेयन है, काफ़ी कंफर्टेबल है और ये भी ना आपको लाइक टॉप की तरह आएगी, अपर थाई पे आपके सिट करेगी, सो ज़्यादा लॉन्ग नहीं है ये। और इसमें भी ना लाइक मुझे फिटिंग का थोड़ा सा गड़बड़ लगा, इसमें भी ऐसे दो स्ट्रेट लाइन में इसको स्टिच किया गया है और पूरा नीचे तक ना ऐसे बंद है, लाइक यहाँ पे कट नहीं है, तो मुझे ये लोअर वेस्ट पे और थाइज के अराउंड ना काफ़ी फिटेड है एंड देन यहाँ से लूज है, सो वो वाला फिटना बहुत वियर लगता है। सो या तो मैं यहाँ पे सिलाई ना हटवा लूँगी सो दैट एक कट बन जाए, सो ये मुझे काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी, या फिर मैं इसे एक्सचेंज कर दूंगी बिकॉज मैं को फिट इसका नहीं अच्छा लगा। सो फिट वाइज मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई, फैब्रिक एम्ब्रॉयडरी सब कुछ बहुत प्यारी है। सो अगर आप इस टाइप की कुछ कुर्ती ट्राई करना चाहते हैं सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस, फैब्रिक में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इसके थ्रेड वर्क में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इसका भी प्राइस ना 300 समथिंग था, सो मैं एग्जैक्ट प्राइस मेंशन कर दूंगी, सो प्राइस के अकॉर्डिंग ये काफ़ी प्यारी कुर्ती है, ट्रस्ट मी। इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा। सो दिस इज़ द लास्ट कुर्ती ऑफ दिस हॉल, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सी कुर्ती पसंद आई, मुझे तो पीच वाली, वाइट वाली एंड देन ये वाली, ये तीनों कुर्तियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।